हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज आप पूछ रहे हो कि ऑल इंडिया रैंक कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला बता दो। उसके फॉर्मूले में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपना फुल परसेंटाइल पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है, कि आपका परसेंटाइल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एंड तक लिखना है आपने, आधा अधूरा लिखोगे तो नहीं होगा। तो ये आपको जो परसेंटाइल है, इसको आपने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे ना, उनका नंबर लिखना है। जैसे कि इस शिफ्ट में इतने थे तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके शिफ्ट में जितने थे आप उतना लिखेंगे। ये तभी आ पाएगा जब आपका परसेंटाइल में था। इनको फिर 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको जितने टोटल है, जैसे कि ये 4, 5, 2, 4, 7, इसमें से ही माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी चीज को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 99.99569684 मल्टीप्लाइड बाय 45247। अब इसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो आ गया कितना, 45245.03। ये चीज हमने यहाँ से माइनस करी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनके आगे सिर्फ दो ही बच्चे हो रहे हैं, 45 पे ये है, 47 पे जो 100% जिसकी आई होगी वो बिल्कुल टॉप में, फोर और सबसे ऊपर वाले नंबर पे होगा, राइट? तो इनको अगर माइनस करेंगे तो इनकी जो रैंक आ जाती है वो 1.9 आती है। तो लगभग हम इनको 1.9 को ऑल इंडिया रैंक 2 बोल देते हैं, ठीक है? ऐसा करके आप अपनी रैंक्स निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला इज, अगेन मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ अपियर्ड माइनस परसेंटाइल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन नंबर ऑफ अपीयर्ड डिवाइडेड बाय 100। आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये नंबर ऑफ अपीयर्ड है, ये परसेंटाइल है, एंड ये मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ अपीयर्ड से डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर ऑल इंडिया रैंक। एंड आप अपनी भी कमेंट कर सकते हो आपकी कितनी आई है। थैंक यू सो मच, एंड ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF, हमेशा खुश रहें।